अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो आज हमारा जो टॉपिक है टैग इज द सेम फाइनेंशियल अरेंजमेंट। इनफैक्ट स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा? फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फाइनेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना आप लोगों को बहुत जरूरी होता है। बट फाइनेंस के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स क्या हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए फाइनेंस के टाइप्स जो बुक में दिए गए हमारे जो बैंक है ना, क्योंकि फाइनेंस की अगर बात करें तो बैंक ले जाएंगे। अगर बैंक है तो बैंक में किसका जब अकाउंट नहीं करते, तो मेरा अकाउंट है या कोई कंपनी वाला आदमी है या कोई बिजनेसमैन है तो उनके लिए एक्सेस होता है कुछ अमाउंट इसका जो है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो बैंक उसको दे देती है विदाउट लोन के, ठीक है। लोन नहीं लेती उससे, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओवरड्राफ्ट ये एक बार यूज किया जाता है, मतलब अगर बिजनेस या किसी का अकाउंट भी है ओवरड्राफ्ट का तो वो एक ही बार विथड्रॉ करते हैं। अब दूसरा है रनिंग फाइनेंस। दूसरा क्या है? रनिंग फाइनेंस है। अब रनिंग फाइनेंस इसी के टाइप जैसा है, बट रनिंग फाइनेंस में क्या फैसिलिटी है, ये अगेन एंड अगेन इंसान विथड्रॉ करवा सकता है, ठीक। अब दूसरा डिमांड फाइनेंस। अब डिमांड फाइनेंस हम किसको कहते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ लोन। हाँ, अब क्या करते हैं, मैंने आपने पहले क्या पढ़ा था, लोन वाला सिस्टम पढ़ा था ना हमने पार्टनर इनहेरिटेंस में, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ा था, तीसरे लेक्चर में इनहेरिटेंस में, उसमें पढ़ा था लोन के सिस्टम के हिसाब से। अब देखें डिमांड फाइनेंस कहता है कि जब इसमें क्या है कि जो अकाउंट होल्डर है बिजनेसमैन कोई भी है, अगर वो विथड्रॉ करवा रहा है पैसे एक्स्ट्रा तो वो बैंक को बाद में लोन देगा। इससे इस लेक्चर से पहले हमने क्या पढ़ा था, परसेंट के हवाले से मार्कअप पढ़ा था ना हमने। अब मार्कअप के पास ये मार्कअप यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसको लोन के हिसाब से कर्ज देना पड़ता है, ठीक है। मतलब बाद में जो है जो भी मतलब परसेंटेज बनता है उसको बैंक वालों को देना पड़ता है। डिमांड फाइनेंस हम क्या कहते हैं? लीजिंग। अब लीजिंग ना तीनों से डिफरेंट है। व्हाट इज लीजिंग? लीजिंग क्या होता है मिसाल के तौर पर? हाँ, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, शादी, ठीक है। मिसाल के तौर पर शादी में है, इंसान जा रहा है शादी में, देखता है कि भाई वाह शादी में सोफा पड़े हुए हैं बहुत अच्छे और चेयर्स पड़ी हुई सब कुछ पड़ी है, बट दैट वो क्या होता है? पर्सनल तो नहीं होते ना वो सोफा हो चेयर्स हो टेबल्स हो कुछ भी हो, पर्सनल तो नहीं होते, टेंट हो पर्सनल नहीं होते। अब क्या करते हैं, एक दो दिन के लिए ले आते हैं, लेने के बाद जब फिर वो वापस ले आते हैं बट क्या होता है, पैसा लगता है ना। अब क्या होता है कि इसका मतलब है, लीजिंग का मतलब है आप कुछ चीजें यूज करने के लिए ले आए फिर उनको वापस कर दिए मगर यूज करने के आपने पैसे भरने हैं, उसको हम कहते हैं लीजिंग, ठीक। होप यू अंडरस्टूड दिस फोर कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं पैसे की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से गौर से समझना है, ठीक है। क्या कह रहा है? कंपनी गेट्स अ हाउस ऑन लीज फॉर 6 इयर्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द कंपनी पेड अस 28% एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट पे क्या याद करेंगे? डाउन पेमेंट क्या होती है पता है? डाउन पेमेंट ये होती है कोई चीज लेना और वापस बाद में ना देना, लेना और लेने के बाद देना ही नहीं, उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, ठीक। एंड शैल पे आस 40,000 पर मंथ एज अ रेट पर मंथ, मतलब 40,000 जो है वो पर मंथ के हिसाब से रेंट दे रहा है, कोई माशाल्लाह से अच्छी जगह हो, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद द कंपनी शैल इंक्रीज द रेट बाय 5%। टोटल अमाउंट लेजर वुड गेट, अब देखें लेजर का मतलब होता है ओनर। अब डबल ही आ जाए ना, इसका मतलब होता है जो ले रहा है ना उसको लेजी कहते हैं, और लेजर का मतलब होता है ओनर। डबल एस डबल ही आ जाए, कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब जो लेने वाला है और जो देने वाला उसको हम लेजर कहते हैं, देने वाला और लेने वाला, ठीक। ओके, ये समझा दें समझे। देखें ये क्या कह रहे हैं कि 6 साल के लिए वो घर ले रहा है, ठीक है। 6 साल के लिए वो घर ले रहे हैं। अब जो 1 महीने के लिए जो रेट है 40,000 है, तो 3 साल के लिए वो 40,000 चल रही है। अब 3 साल के बाद जो है 5% 40,000 का 5% ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ओनर
परसेंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, बट पहले 3 साल के लिए 40,000 रुपीज है। मतलब एक महीने का अगर 40,000 है तो 3 सालों में कितने मंथ होते हैं? 3 × 24 करूंगा, सॉरी 12 करूंगा, एक मंथ में और एक साल में कितने होते हैं? ठीक है, एक साल मंथ कितने होते हैं? तो 36 मंथ हो गया। अब 36 मंथ ये हो गया हमारे, अब 36 मंथ जो है वो पहले 3 साल होता कितना हमारे एक महीने के हिसाब से। तो अगर मैं ये जो कह डाउन पेमेंट है, अब मैं 3 इयर्स के हवाले से मतलब 3 इयर्स इंटर करूं इंटू मैं क्या करूं 40,000 करूं, तो मेरा रिजल्ट कितना आता है देखें। 36 अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो कितना होता है ये 144 एंड ये ठीक 144 40, ठीक है। ये मैं क्या जाती है पहले थ्री इयर्स की अमाउंट मतलब रेट पहले 3 साल की, अब 5% बढ़ा रहा है तो 40,000 का 5% जो मैं निकाल रहा हूं मेरे क्या होता है भाई अपन 100 करूंगा 5% है 2 0 0 2 0 खत्म 4 5 कितना होता है आपको 20, तो 20 ये हो गया 2 0 0 हो गया मतलब 2000 इससे ज्यादा भरेगा तो मतलब 5% इसका कितना होता है 2000, 5% ज्यादा देगा तो 42,000 होंगे पर मंथ, आखिरी 3 साल हो गए 42,000 हो गए ना पर मंथ, तो क्या होगा आफ्टर 3 इयर्स जो है 3 इयर्स कितना पे करेगा वो आखिर 3 इयर्स के कितने मंथ्स हैं 24 मंथ्स हैं इनटू कितना करेगा 42,000 करेगा 42,000 क्योंकि 5% इंक्रीज करके आपको ये मैंने जो किया 5% निकला अब आप लोगों को पता चल गया होगा जो बेसिक में परसेंटेज मैंने पढ़ाई किया होगा, ठीक है। अब इसका मतलब देखें अगर मैं 42 और 24 मतलब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट कितना आता है अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें 42 को देखें कितना आता है 8 ये 4 ठीक एंड 16 9 ठीक 8 एंड ये कितना था यहाँ पे मतलब यहाँ पे 66 था ये 0 एंड यहाँ पे क्या 9 ठीक 10। अब क्या है इसको जो भी आता है बस छोड़ दे इसको, यहाँ पे रिजल्ट जो भी आता है ये रिजल्ट देखें लास्ट में 3 सालों का इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्ट आता है ये 3 सालों के बाद वाला रिजल्ट है 5% बढ़ा के, ये रिजल्ट है जो ये रिजल्ट है वो 3 सालों का पहले वाला होता है जब इसकी 40,000 जो है रेंट थी और उससे पहले जो थी 20 दैट वाज फॉर लाइक अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दैट वाज डाउन पेमेंट, ठीक है, और डाउन पेमेंट ही काम पे था डाउन पेमेंट ठीक। अब ये डाउन पेमेंट पहले 3 साल के और बाद वाले 3 साल के 5% बढ़ा के इसको अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल ऑनर को जो लेजर को मिल जाएगा, ठीक है, दैट विल बी टोटल अमाउंट फॉर द लेजर, ठीक है। आपने ऐड करके मुझे कमेंट में बता देना यूट्यूब कमेंट में, ठीक है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो व्हाट्सएप में बता दें। अब इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं देखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पर्सन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सही क्या कहता है द प्राइस ऑफ अ कार इज आरएस 98 रुपीज इफ इट कैन बी बॉट एट 15% ऑफ एज ऑफ द एज डाउन पेमेंट इट हैड टू बी लीज ऑन द सिंपल मार्कअप। अब मार्कअप आ गया जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा मार्कअप ऑफ 10% पर ईयर फॉर 2 इयर्स ऑन द रिमेनिंग अमाउंट द इंस्टॉलमेंट विल बी मेड ऑन द मंथली बेसिस फाइन मंथली इंस्टॉलमेंट एंड द टोटल लीज ऑफ द कार टू बी पेड। क्या करना है फर्स्ट क्या है जो कार की प्राइस है जो कार की प्राइस है वो 9 लाख रुपीज है मगर वो क्या कह रहे हैं 9 लाख रुपीज तो 15% कम दे रहे हैं तो 9 लाख की 15% निकालेंगे क्योंकि 9 लाख का 15% 9 लाख की 15% अगर मैं निकालूं अपॉन 100% था अपॉन 100 हो गया तो ये कितना होता है देखें तो इसका रिजल्ट जो होता है डायरेक्ट 1,35,000 तो 15% इसका कितना आता है 1,35,000 रुपीज तो आप ये 15%
दे रहा है 50% ये कम करके 1,35,000 कम करके जो टर्च पेमेंट है डायरेक्ट 7,65,000 रुपीज। इसको अगर मैं यूज करूं कि 7,65,000 के ऊपर लिखूं 7,65,000 रुपीज, ठीक, ये कार की जब प्राइस होगी किसके बाद 50% कम करने के बाद। देन ये कह रहा है कि इट हैड टू बी लीज्ड ऑन सिंपल नॉन मार्कअप 10% पर ईयर फॉर 2 years ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अब वही मार्कअप अभी आ गई, मतलब I is equal to PRT/100। मार्कअप फाइन करना है, मार्कअप क्या होता है, अब मतलब 10% इसके बाद जो 7,65,000 रुपीज निकले हैं उसी पे मार्कअप लगा रहा है मालिक जो है, उसी पे मार्कअप लगा रहा है। मार्केट कितना लगा रहा है, कितने परसेंट का लगा रहा है, 10% का। तो देखें I is equal to P क्या है हमारे पास, ये है P, क्या हमारे पास P, I is equal to यहाँ पे लिखूंगा अगर P क्या हमारे पास 7,65,000 रुपीज इंटू मार्कअप कितना है 10 इंटू टाइम पे कितने 2 years का अपॉन क्या है 100, ठीक। इसको अगर ये 100 ये खत्म करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका ये बनता है 1,53,000 है, ठीक। तो 1,53,000 अगर 7 इसके साथ अगर करें 65 इंटू 2 करते हैं आप तो 0 होता है, देन 6 है, ठीक, मतलब 0 1 ऊपर है, ठीक, 13 देन ये 1,53,000 ये 2 0 ये 0 ये 0 ये याद कर लेते हैं 1,53,000 रुपीज। तो इसका जो बनता है अगर आप यहाँ पे डेटा देते हैं तो आपका मार्कअप जो है कितना बनता है 1,53,000 रुपीज। ये क्या है आफ्टर डाउन पेमेंट, अब ये क्या है आफ्टर मार्कअप, आफ्टर मार्कअप। अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन द मंथली बेसिस, देखें इसको और इसको आप ऐड करेंगे ना, अब इसको क्योंकि ये मार्कअप है, मार्कअप भी तो देना है उसको बंदे को जो कार ले रहा है, 10% मार्कअप भी देना है। मार्कअप देने के बाद जो ओरिजिनल अमाउंट जो आके रुकी 9,53,000 के बाद 15% निकालने के बाद अमाउंट देनी चाहिए, अमाउंट देने के बाद अब मार्कअप उसको इतना दे रहा है, अब मतलब ये ऐड करके ऐड कितना होगा देखें 7,65,000 रुपीज ऐड करो 1,53,000 रुपीज ऐड कितना होगा ये 0 ये 0 ये 0 5,38 ये कितना था 65 था ना, ठीक है 6,5,11 एंड देन 1 ऊपर गया 8,9 9,18,000 रुपीज। तो टोटल कितना होता है 9,18,000 रुपीज, मतलब इसको स्क्वायर किया है। आप लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, देखें मैं सिंपल सी बात करता हूँ, इसके बाद 15% मैं इसकी रकम कोई भी देती हूँ मिसाल के 15% करके मुझे 100 रुपये दे दें किसी चीज़ के 15% निकाल के 100 रुपये दे दें, उसके बाद जो 100 रुपये 100 रुपये का जो परसेंट मेरे पास आ रहा है मार्कअप रेट आ रहा है वो कितना है उसका मिसाल के 15% है। मार्कअप मैंने समझाया था ना मार्कअप क्या होती है, मार्कअप तो ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें कुछ कोई चीज़ अगर ले रहे हैं तो उसका ज़्यादा अमाउंट हमें देना पड़ता है, तो मार्कअप हमें ज़्यादा अमाउंट क्या था ये था, तो ज़्यादा अमाउंट जो बच के लिए था मार्कअप 10% निकाल के अभी ये था, तो ये और ये ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें ये मिला। अब ये जो टोटल अमाउंट मिली है इसको हमने मंथली हिसाब से देना है, देखें फॉर 2 years ऑन द रिमेनिंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट विल बी मेड ऑन मंथली बेसिस। अब मंथली बेसिस पर हमें इंस्टॉलमेंट लगानी है, मतलब मंथली बेसिस पर आप उनको पैसे दे रहे हैं, मिसाल के हम उसको कह रहे हैं पर मंथ आपको टोटल कितने हुए 9,18,000 देने हैं उसको, उस बंदे को 9,18,000 देखिए कितना बढ़ गया 9,00,000 टोटल थे, अब उस बंदा वो बंदा दे रहा है 9,18,000 तो 50% अगर ये रियत ना करवाता तो 10% मार्कअप भी ना मिला सकता, ठीक। 9,18,000 जो है वो कह रहा है कि भाई मैं ज्यादा एक तरफ ज्यादा जो है ये टोटल जो है वो एक दिन नहीं दे सकता, मतलब वो कह रहा है कि मुझे ना इंस्टॉलमेंट करवानी है कि मुझे पर मंथ के हवाले से मुझे दे रहे आपको, तो टोटल कार वाले को देगा इतने, टोटल कार वाले को देगा इतने ही, अगर वो कह रहे हैं कि मैं पर हर महीने के हवाले से अपने आप लोगों को दूंगा हर महीने के हवाले से, तो हर महीने के हवाले से देगा तो टोटल साल कितनी है 2 years है, तो 2 years के पर महीने कितने होते 24 आप इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
लगा रहा है कि 24 महीने तक इसके कितने हो जाएंगे 9,18,000 रुपए। ये क्या था, मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। जो पूछ रहा है टोटल लीज प्राइस टोटल कितने होंगे वो देखें। अब टोटल में आपने क्या करना है, देखें टोटल में आपने जो ऐड करते जाना है वो देखें। फर्स्ट क्या है, टोटल हमारे पास 7 लाख था ना, 7,65,000 रुपीज टोटल की बात करूँ। फिर 1,35,000 जो था वो क्या था, 15% निकाल के निकाल रहा था जो वो भी ऐड कर, मतलब टोटल जो था वो 9 लाख था। टोटल 9 लाख की कर कोई मसला नहीं है, 1,35,000 करेंगे तो भी सेम करेंगे, इस पर ऐड करते तो भी आपका सेम बनता है। अब उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट थी थोड़ी है, मार्केट रेट था, मार्केट रेट कितना था, 1,53,000 मार्कअप आपको देना है, वो जो हिस्सा वो भी देना है इसको। देन 1,35,000 रुपीज जो हमने 15% निकाला था वो भी उसको देना था, और 7,65,000 वो भी देना था। देखें ये चीज अगर आप मिला के करते हैं तो 9 लाख बन जाए, 9 लाख। अब 9 लाख और प्लस 1,53,000 रुपीज है, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ऐड में क्या आ जाता है आपके पास, 10 लाख आ जाता है। ठीक है, तो 10,53,000 रुपीज, ठीक, सॉरी ऐसे, ठीक। मतलब जो भी है आप इसको ऐड करें, ऐड करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, मतलब जब रिजल्ट आएगा दैट विल बी ये 9, मतलब 10 लाख हो जाएगा, ये 50,000 रुपीज हो जाएगा। तो 10,50,000 रुपीज उसको मार्केट लगाने के बाद पड़ गया था, जहां 9 लाख की गाड़ी थी। अब उसके बाद इधर उधर सिटीज जिसमें सिंधी में, जिसको हम सिंधी में कहते हैं हेड और नचा करे गरे वही ही काते बेटी होती है नची बेटी, ठीक है। इसको किए वो 9 लाख रुपीज अगर बटे तो 9 लाख रुपीज का बाद में 15% पार्ट याद करवाए थोड़ी के बाद में 9% मार का पार्ट भी दे दो, उन्हीं जो 7 लाख जैसी 65,000 बची बनी उन्हीं का बाद में वही पे कर दो पे, ठीक है। माँ थोड़ा बहुत मैं सिंधी बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली सिंधी हैं, तो इसलिए हिसाब से थोड़ा बहुत, क्योंकि किसी की लैंग्वेज में बात की जाए तो आगे वाले को बहुत खुशी होती है, उर्दू तो बात करनी है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है कि बाद में जो टोटल पेमेंट को देनी है वो 10,53,000 रुपीज। भाई अगर ये इसको सिंधी में कहते नच्चो कंदो ही ना, तो ये सर मतलब ये क्यों होता है फिर, हाँ नच्चो करें ना घर पेपर सीधी बात करे ऐसा करना चाहे सीधी बात करे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हो जाता है ना, अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हो गई कि भाई कार कोई और ले रहा है, मालिक कोई और है, बीच में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, हो सकता है इसलिए है कि हो सकती है हमारे साथ आगे प्रॉब्लम आए, हो सकता है हम किसी कंपनी के मालिक बन जाए, हो सकता है कि हम खुद कार ले रहे हो और इतना रियायत करवा रहे हो, ठीक। तो ये लाइफ में होता है, ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, आप छोटी छोटी चीजों में भी ये आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। आप मिसाल के तौर पर चला रहे हैं कि हाँ जमींदार है, आप मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं भाई मुझे इंस्टॉलमेंट पे देना है, या मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट पे दिए जाते हैं, बट वहां ये परसेंटेज वगैरह नहीं लगते, या फिर परसेंटेज वगैरह नहीं लगते, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं ना उस परसेंटेज नहीं लगते, जैसे इंस्टॉलमेंट होती है भाई हमें आपको पर मंथ के हिसाब से इतना देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी लाइफ में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आप जस्ट इनको यूनिवर्सिटी या किसी एग्जाम के हवाले से ना पढ़ें, आप रियल लाइफ में इन्वॉल्व करें ऐसे क्वेश्चंस को। जब रियल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप लोग एंथुसियास्टिकली आप लोग पुरजोश तरीके से इन क्वेश्चंस को सीखते भी हैं, आप लोग दूसरों को सिखाते भी हैं। जिंदगी में जब किसी चीज़ को इन्वॉल्व कर देते हैं तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। आज के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि आप लोग इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसी टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी चीजों को आप टेस्ट में इन्वॉल्व करने के लिए, टेस्ट पास करने के लिए इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं अभी से अगर इसी चीजों को लाइफ में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो आप लोग इस चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को भूलेंगे कभी नहीं। अगर पेपर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए कर रहे हैं तो आप पेपर देने के बाद ये भूल जाएंगे, हो सकता है पेपर देने के बाद कोई और टेस्ट देना हो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से अगर लाइफ में ऐसी चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको टेस्ट के बाद की और टेस्ट आती है तो आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इनके कंसेप्ट, और मतलब मेजॉरिटी हमारी परसेंटेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और बस यही था।
यही परसेंटेज था, यही बेचारी परसेंटेज थी, आगे जरूरत पड़ी तो हम आप लोगों को लेक्चर भेज देंगे, अदरवाइज टिल नाउ इट्स अप टू अस के हम यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं। सो गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कौन सा होता है, ठीक है।